हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हैं अगर आपने कभी भी उस वाईफाई को एक्सेस किया है, या फिर आपके लैपटॉप में किसी ने उस वाईफाई का पासवर्ड डाला है, या फिर आपके फ़ोन में, या फिर आप किसी शोरूम में विज़िट करते हैं, वहाँ पे आप किसी उस शोरूम के वाईफाई का पासवर्ड कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको सिंपली जाना है सीएमडी में, एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है NETSH WLAN शो प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी उन सभी वाईफाई की जो भी आपने कभी ना कभी इस लैपटॉप में एक्सेस करा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये तीन वाईफाई हैं। अब मैं आदि का पासवर्ड देखना चाहता हूँ कि इसका पासवर्ड अभी क्या है, तो आपको सिंपली इसमें जाना है, नाम लिखना है आदि इज़ इक्वल्स टू की इज़ इक्वल्स टू क्लियर। ठीक है, तो ये कंटेंट की कंटेंट में यहाँ पे आपको वाईफाई का पासवर्ड दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपको सिंपली ब्राउज़र में जाना है। जैसे आप कभी दोस्तों के घर गए या फिर कहीं पे भी गए, आप उसका फ़ोन ले सकते हैं, या फिर उसने आपके आपके फ़ोन में वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया है, तो आपको सिंपली इस पे गूगल पे जाना है 192.168.1.1। ठीक है, यहाँ पे जाना है। इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है ज़्यादातर एडमिन ही होता है, कोई चेंज भी नहीं करता इसका पासवर्ड। ठीक है, तो ये खुल जाएगा आपका राउटर का। यहाँ पे मेरे चार कनेक्टेड डिवाइस हैं, आपको सिंपली इसमें वायरलेस सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखिए वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे भी आ गया है, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं आप, हाइड भी कर सकते हैं आप, उस यूज़र को बाहर भी निकाल सकते हैं जो भी वाईफाई चला रहा है। ठीक है, तो ये था। अगर आप किसी शोरूम में विज़िट करते हैं तो फिर आप ऐसे उस उधर का वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हैं, किसी दोस्त के फ़ोन में से उसके वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हैं, और उसी को उसके वाईफाई से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही।